दोस्तों, बिग बॉस सालों से एक हिट और कंट्रोवर्शियल शो रहा है। हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि सलमान खान ने इस बार बिग बॉस होस्ट करने के लिए इतने करोड़ चार्ज किए हैं। एक बार तो ये भी न्यूज में आया था कि इस बार का सीजन सलमान खान 1000 करोड़ लेकर होस्ट करेंगे। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता ही होगा कि अगर इतने सारे पैसे सलमान खान ही ले जाते हैं और बाकी के पैसे कंटेस्टेंट ले जाते हैं तो फिर बिग बॉस आखिर कमाते कैसे होंगे। इसके अलावा जो पैसा आता है क्या वो जियो सिनेमा और टीवी चैनल के पास चला जाता है या फिर किसी और के पास। आज हम आपको इस वीडियो में बिग बॉस का पूरा बिजनेस मॉडल बताएंगे, साथ ही कुछ ऐसे राज खोलेंगे जिसका आपको पता भी नहीं था। दोस्तों, बिग बॉस आज के समय का इतना बड़ा शो हो गया है कि कई लोग इसके बारे में सर्च करते रहते हैं और अपने हिसाब से जानकारी जुटा लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें बिग बॉस के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि बिग बॉस का पहला सीजन कलर्स पर नहीं बल्कि सोनी पर प्रीमियर हुआ था, जिसके होस्ट अरशद वारसी थे। इसके बाद जब वायकॉम ने इसके राइट्स खरीद लिए, इसके बाद से ये कलर्स पर आने लगा। उस समय इसे फिर शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया। अगर कारण की बात करें तो उस समय शिल्पा यूके के बिग ब्रदर की पार्ट थी और उससे जीता भी था। ये वही शो है जिसके फॉर्मेट पर भारत का बिग बॉस बना है। इसके बाद तीसरे सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था और फिर चौथे सीजन से सलमान ने इससे होस्ट करना चालू किया और अभी तक वो बिग बॉस को होस्ट करते नजर आते रहे हैं। दोस्तों, शुरुआती दिनों में सलमान शो होस्ट करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ चार्ज किया करते थे। फिर जैसे जैसे शो पॉपुलर होता गया उनकी फीस भी बढ़ती रही। अब अगर खबरों की बात करें तो ये बताया गया था कि इस बार का जो बिग बॉस OTT 2 था उसके लिए सलमान खान ने 25 करोड़ चार्ज किए थे। इसके अलावा अगर हम कंटेस्टेंट्स की बात करें तो उन्हें पैसा, उनकी फेम और वो किस तरह की ऑडियंस को शो की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ज्यादातर कंटेस्टेंट्स को वीकली बेसिस पर पैसे दिए जाते हैं जो करीब 1 से 2 लाख रुपए के बीच होते हैं। दोस्तों, इस बार जो महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट आई थी उन्हें हर हफ्ते 3.1 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं जो शो के विनर रहे एल्विश यादव उनको पूरे सीजन में 15 से 20 लाख रुपए दिए गए थे। इतना ही नहीं, इनकी पेमेंट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ये कंटेस्टेंट्स घर में कितनी लड़ाई झगड़ा करते हैं और कितने दिनों तक टिके रहते हैं। इसके अलावा बिग बॉस के कुछ सीजन ऐसे भी सीजन रहे हैं जहां पर सेलिब्रिटी के साथ आम लोग भी शामिल हुए हैं। अगर उनके पे की बात करें तो उन्हें हर हफ्ते के सिर्फ 25,000 रुपए दिए जाते थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो शो का सलमान के अलावा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि उनका सारा का सारा शूट एक ही सेट पर शूट होता है। खैर, अब बात करते हैं अहम मुद्दों पर कि आखिर शो कमाता कैसे है। दोस्तों, एक टीवी शो के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो एड्स होते हैं। बिग बॉस के हर शो में करीब 25 मिनट का एड स्लॉट होता है। जब बिग बॉस सिर्फ टीवी पर आया करता था तब ये दिन में 3 बार ब्रॉडकास्ट होता था। अब वैसे तो सबसे ज्यादा एड की कीमत रात की ही रहती है, वो प्राइम टाइम होता है। हर 10 से 20 सेकंड के एड के लिए बिग बॉस करीब 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और रही बात OTT की, तो जैसे बिग बॉस OTT पर अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है तो हो सकता है कि इस एड स्लॉट में आगे जाकर फर्क आए। इसके बाद अगर बात करें दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज की तो वो हैं स्पॉन्सर्स, जो बिग बॉस के पास ढेरों हैं। इस स्पॉन्सर्स की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जिनका नाम शो के नाम के साथ लिया जाता है। इस सीजन बिग बॉस 17 के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ह्यूंडई और एप्पी फिज हैं। तो इस बार का बिग बॉस हुआ ह्यूंडई एंड फिज प्रेजेंट्स बिग बॉस 17। इसके बाद आता है दूसरा स्पॉन्सर जिसका नाम है पावर्ड बाय, जिसका नाम शो के नाम लेने के बाद आता है। जब भी शो को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना हो तब प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर और पावर्ड बाय स्पॉन्सर दोनों का नाम हमेशा लिया जाता है। तीसरे स्पॉन्सर होते हैं स्पेशल पार्टनर्स, जिनका नाम आप शो के इंट्रोडक्शन में सुन सकते हैं। इसके बाद भी कई स्पॉन्सर आते हैं, जैसे आईवीआर पार्टनर, कुकिंग पार्टनर, जिनका नाम शो के फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फिल्म प्रमोशन से बिग बॉस पैसे कमाता है। जितनी भी फिल्में बिग बॉस पर प्रमोट होती है उससे बिग बॉस अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेते हैं। तभी आपने कई बार छोटी मोटी फिल्मों को बिग बॉस पर प्रमोट होते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आखिर ये पैसे बिग बॉस कमाते कैसे हैं, पर फिर भी आपके दिमाग में ये सवाल और आएगा कि आखिर ये पैसा जाता किसके पास है।
दोस्तों, शायद से आपने एंडेमोल शाइन इंडिया का नाम तो सुना होगा। ये एंडेमोल ग्रुप भारत में बिग बॉस के अलावा खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज को बनाता भी है। अगर आपको आसान भाषा में बताएं कि एंडेमोल कौन है, तो बेसिकली ये एक प्रोड्यूसर है जो शो बनाता है और पैसे लगाता है, यानी कि सही स्पॉन्सर्स तलाश करता है। शो के होस्ट को पे भी यही करता है और यहाँ तक कि कंटेस्टेंट को पैसे देने का जिम्मा भी इसी का है। इसी तरह से एंडेमोल सारी चीजें ऑपरेट करता है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स कलर्स और जियो सिनेमा को देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि बिग बॉस का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है।